Hello to my beautiful divine family. I welcome you all to my channel, The Divine Guidance with MS. I hope you're taking good care of yourself. And guys, this is your weekly guidance from Monday till the next 7 days. आप जबी भी देखेंगे उस दिन से. Actually, I'm putting it on, uploading it on the Monday. But आप जिस दिन से भी देखेंगे उस दिन से next 7 days के लिए ये आपको resonate करेगा. It is all sign collective reading. It may or may not resonate with everybody. But अपनी situations के साथ इसको relate ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको. जो भी गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है ले लीजिए एंड ट्राई एंड अप्लाई इट. ओके, चलिए देखते हैं इस वीक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी. बिफोर दैट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू यूनिवर्स एंड आई एम ब्लेस्ड. ऑलराइट, चलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा. इस वीक मेरे डिवाइन फैमिली की क्या रहेगी एनर्जी. यूनिवर्स प्लीज गाइड अस. कैसी रहेगी जी, क्या. वन मोर कार्ड प्लीज. ऑलराइट गाइस, काफी दिन से मैं नहीं थी. सो नाउ आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस डेली. बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ क्योंकि फुल रीडिंग करने का टाइम नहीं होता है. दिस इज नॉट माय प्रोफेशन. आई हैव बीन गाइडेड टू डू दिस बाय द यूनिवर्स. आई एम आल्सो गोइंग थ्रू माय ओन सोल अवेकनिंग एंड सोल जर्नी. तो ये आप नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिए कि जो भी गाइडेंस मुझे आती है तो मैं इमिजिएटली आपको देने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, सो शॉर्ट वीडियोस भी देखिए गाइस. बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं वो देखिए. एंजल आंसर्स हैं. द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे इज फ्रॉम द गीता डेक. श्रीमद् भागवत गीता से जो आपके लिए गाइडेंस आती है वो श्लोक आपको सुनना है, देखना है और उसके बारे में और पढ़ना है. ठीक है, चलिए इस वीक कैसे रहेगी मेरे डिवाइन फैमिली की एनर्जी एंड क्या गाइडेंस है. एंजल्स फेरीज प्लीज गिव अस गाइस. और चैनल मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं. पहले भी 7-8 months से आई वॉजन एबल टू बी रेगुलर. तो प्लीज आप पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं. इट्स ऑल टाइमलेस. तो जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे दैट मीन्स दैट इज द गाइडेंस फॉर यू अभी के लिए. ठीक है, एनीथिंग एल्स. ओके, एंड ये लेते हैं हम आपके लव कार्ड्स. आपकी जो लोग भी रोमांटिक लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो बहुत सारे कार्ड एक ही साथ आ गए हैं. ओके गाइस सॉरी, ये दोबारा मुझे शफल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे एक ही साथ हैं. नंबर वाइज बहुत दिन से यूज नहीं किए थे तो अच्छे से शफल कर लेती हूँ मैं. Yes, angels, please guide us. Okay, बहुत सारे कार्ड आने जा रहे हैं. यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड अस. वन मोर कार्ड टू चेक द रोमांटिक एनर्जी. लव लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, बस यहीं तक की गाइडेंस बोल रहे हैं एंजल्स. ओके, लेट्स सी साईं बाबा क्या कहना चाहेंगे. गाइस मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियोस भी होती हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. और इवनिंग में एंजल की तरफ से आंसर्स लेती हूँ मैं. ठीक है, आप जो भी आपके मन में सवाल होता है सोच लीजिए और एंजल्स का आंसर होता है उसमें इवनिंग में अराउंड 7:15, 7:20. ओके, तो वो भी जरूर देखिए शॉर्ट वीडियोज. ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. क्विकली रीड करेंगे एंड क्विकली आपको मैसेज दूंगी. सो ये गाइडेंस बहुत सारी आई हैं श्री कृष्णा की आपके लिए. बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं इस वीक कृष्णा जी आपको. बाबा की भी बहुत सारे गाइडेंस है. चलिए देखते हैं. तो दीज आर दी एनर्जी कार्ड्स. पहले तो ये ले लेंगे. चलिए चलिए हिट द लाइक बटन एंड लेट्स सी क्या गाइडेंस आई. बहुत सारे कार्ड्स है गाइज. आई विल ट्राई एंड पुट इट देयर ऑन द शेल्फ एक एक करके. सो पहले तो आपकी एनर्जी चेक करते हैं. कंप्लीशन, ग्रीफ, मिस्टिसिज्म, इम्पास, डिस्कवरी एंड वैनिटी. ऑलराइट गाइज, कुछ एंडिंग हुई है अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है. आपकी एक फेज कह सकती हूँ. कुछ आपकी लाइफ में जो फेज चल रही थी कह लो एक टफ फेज, वो एंड हो गया है या होने जा रहा है इस वीक में. ठीक है, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग ग्रीफ. हो सकता है, भगवान ना करे, बट किसी की लाइफ में रिसेंटली
कोई पासिंग अवे भी हुई है, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर में से हो सकते हैं, तो आप अभी उस ग्रीफ में हैं। हो सकता है कोई पेट हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर किसी रिश्ते की या किसी सिचुएशन की, या फिर जो आपका ये जो भी टफ टाइम चल रहा था कर्मा क्लेंजिंग का, वो एंड हो गया। एंड हो गया है तो कुछ नया आने वाला है। सी फ्रॉम दिस फेज यू आर गेटिंग इन टू द अनदर फेज, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। नाउ इज द टाइम कि आपकी लाइफ में मिस्टिसिज्म, आपकी बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही है, इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है। यू आर टोल्ड एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कुछ डिस्कवर करने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में थे और वो चीज़ एंड हुई है तो उसके लिए आप सैड है, बट दैट इज एक फेज था जो एंड होना ही था, टू गेट समथिंग न्यू विच इज़ मिस्टिकल, विच इज बाय ब्लेसिंग बाय द यूनिवर्स आई वुड से। ठीक है, ये देखिए सेलिब्रेशन है उस चीज़ में, जो चीज़ खत्म हो गई या हो रही है उसको होने दीजिए थोड़ा बहुत, अगर आप सैड हैं। अच्छा एक कार्ड और है, सॉरी, आइसोलेशन। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, दीज आर द कार्ड, दीज आर द एनर्जी इस वीक, कि कोई चीज़ खत्म हुई है, वहाँ से आप सैड फील कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अपने आपको हीलिंग दे रहे हैं, बट नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ फ्रॉम वन फेज, एक फेज से दूसरे जो आपका स्पिरिचुअल फेज है उसमें आप जा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, एंड देन सेलिब्रेशन इज कमिंग। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं, ये किसी भी सिचुएशन से भी हो सकता है, बट ये मुझे लव लाइफ में भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, टू फाइंड बैलेंस आपको बोल रही हैं, फाइंड बैलेंस, बैलेंस आएगा इस वीक में, शेयर द लव। ओके, नंबर थ्री, टू थ्री, शेयर द लव, नर्चर, बिलीव एंड सक्सीड, नंबर सिक्स, एंड लीड। ऑलराइट, सो नाउ आई गॉट इट गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स इस वीक, आपकी एनर्जी फ्रॉम द ग्रीफ, द हीलिंग से जाएगी बैलेंस में। ठीक है, बैलेंस में जाएगी, आप अपने आप को नर्चर भी करेंगे, करना भी चाहिए आपको। You are going to share the love and somebody else is coming. यहाँ पे universe आपको blessing भेज रहा है, जो भी आपने go through किया है जिस situation से, let it be. वहाँ से आप निकल रहे हैं, वहाँ से आप निकल रहे हैं, and you are going to, ऐसे रखती हूँ guys, find balance. ओके, ऐसे देखते हैं, फाइंड बैलेंस, शेयर द लव, आपके लिए नया लव आ रहा है, न्यू लव आ रहा है, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन थी उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। एक चीज सिचुएशन खत्म हुई तो वहां से पॉजिटिविटी आ रही है। सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर गोइंग टू टर्न, ये जो फेस खत्म हुआ है ये होना ही था, दैट वॉज लाइक सपोज टू बी लाइक दैट। आप बिलीव करिए, सक्सीड कर रहे हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव कर आए हैं, फ्रॉम ग्रीफ यू आर एंडिंग दिस फेज एंड यू गोइंग टू ब्यूटिफुल फेज, जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स कह रहा है दैट आपको डिस्कवर करना है। ठीक है, अपने आप को, खुद को डिस्कवर करना है, और डिस्कवरी के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ नया आ रहा है, कुछ मिस्टिकल, जो आज तक आपको भी नहीं पता था आपके अंदर वो पावर्स हैं। ठीक है, सो ये है आपको ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रही है इस वीक, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग हो रही है बेसिकली। फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से आपको कह रहे हैं द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मेरिकल्स, अगेन मिस्टिसिज्म भी एंड मेरिकल्स भी। होली स्पिरिट्स कह रही हैं रिमेंबर दैट द ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक, तो स्पिरिट आपके साथ है, डबल कॉन्फर्मेशन है गाइस। इधर भी कह रहे हैं स्पिरिट्स आपके साथ हैं, सी डिस्कवर कर रहे हैं आपको, और एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने जा रहे हैं। ठीक है, अगला कार्ड है सेरेपिस बे, असेंशन, असेंशन, यहाँ भी मैंने यही बोला, आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन, आपका असेंडिंग हो रहा है, असेंशन हो रहा है, योर सोल ग्रोथ इज हैपनिंग, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ठीक है, तो नर्चर करिए, अपने आपको हील करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपका असेंशन प्रोसेस हो रहा है, जो चीज़ कंप्लीट होनी थी कंप्लीट होगी, फेज इज एंडिंग, नाउ द न्यू थिंग्स आर कमिंग, सेलिब्रेशन इज कमिंग, वैनिटी इज देयर, सेलिब्रेशन इज कमिंग। ठीक है, वाह, माँ अवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, क्या कहा था गाइस, आपका सोल असेंशन हो रहा है, माँ अवतार बाबा जी ने कंफर्म कर दिया है, सोल एक्सपेंशन हो रहा है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स। अब आपको समझ आएगा कोई चीज़ कैसे क्यों हुई, कोई सिचुएशन कैसे क्यों हुई, या फिर किसी इंसान ने, किसी सिचुएशन ने, या फिर आपकी जॉब में अगर आपको धोखा मिला है तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों, क्योंकि ये होना ही था, दैट वॉज पार्ट ऑफ द चोजन प्लान। ठीक है, कहते ना सफरिंग्स के बाद ही, तब तब कर ही अच्छी चीज़ बनती है, तो आपके सफरिंग्स के बाद ही आपने कुछ ऐसा डिस्कवर करना है अपने अंदर जिससे आप लीड करेंगे दुनिया को आगे जाकर। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी द गाइडेंस फॉर मेनी अदर्स गाइस, राइट। चलिए फेरीज क्या कह रही हैं, आस्क फॉर द हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बींग हु प्रोटेक्ट एवरी वन, एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो आपको एंजल्स कह रही हैं वी ऑल आर विद यू, यहाँ पे भी एंजल्स ने आपको कहा वो आपके साथ है, आपको सिर्फ देखिए होली स्पिरिट्स भी हैं, बाबा जी भी हैं, तो दे आर सेइंग कि आस्क फॉर द हेल्प, आपको उसी फ्री विल होती है हमारी सोल की व्हेन वी आर ऑन द प्लैनेट, सो हमको एंजल्स
दे कांट हेल्प अस अनलेस वी आस्क. ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, अपने गुरु गॉड को, कि प्लीज हेल्प मी. यू हैव टू टेल, अदरवाइज फ्री विल है. इवन इफ उनको लग भी रहा है आप गलत कर रहे हैं, गाइस सॉरी फॉर द नॉइस आउटसाइड, उनको लग भी रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, दे कांट हेल्प अनलेस आप हेल्प मांगेंगे. ठीक है, जैसे छोटा बच्चा जो होता है फ्यू मंथ्स ओल्ड, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ को भी नहीं पता चलता है कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, दूध पीना है, या ना स्टमक पेन हो रहा है. सो यू हैव टू टेल, सो इट्स लाइक अ कॉलिंग एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. और मैं और हम लोग पूरी जो हमारी सोल फैमिली है द डिवाइन गाइडेंस की, तो हम लोग भी एक साथ है, वी ऑल आर टुगेदर विद यू, और हम लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी. ठीक है, सो यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनी वन ऑफ अस. चलिए, फ्रेंडशिप, सी मैंने बोला हम लोग भी हैं और फ्रेंडशिप का ही कार्ड आ गया. फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स. नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू बाबा जी. देखिए कन्फर्मेशन आ गया गाइज, जो मैंने अभी बोला बिल्कुल मैंने आपके कार्ड सामने ही शफल किए हैं. मैंने यही बोला कि हम लोग भी आपके साथ हैं, तो फेरीज भी यही कह रहे हैं, दे आर ऑल्सो विद अस. एंड आस्क, मतलब जो आपको सपोर्ट मांगना है, जैसे सपोज इवन सिंपल कि ओके मेरे को ही बोल सकते हैं, मैम प्लीज प्रे फॉर अस, की पर्सनल प्रेयर्स या जो भी कुछ है आप शेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन गाइड यू एंड वी कैन हेल्प यू. और कुछ नहीं तो एवरी डे वेन एवर आई प्रे ऑब्वियसली, सो आप लोग रहते हैं मेरा डिवाइन फैमिली, मेरी प्रेयर्स में हमेशा ही रहता है. आई कीप ऑन सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, सो डोंट वरी. बट हम लोग एक साथ ही हैं, वी आर ऑल असेंशनिंग. ठीक है ना, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है. अगला कार्ड में है प्योरिटी. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answers to all the questions. So, aap pure soul hain. Angels keh rahe answers aapke andar hi hain. When you meditate, when you pray, aapko khud hi jawab mil jayega. Theek hai? So, you do not need to worry. We all are with you. Angels are with you. God is with you. Blessings on blessings aa rahi hain. Jo time hua, wo katna hi tha. Theek hai? Usse bhool jaiye, aage badhiye. Last card from the fairies is wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो जो भी आप wish कर रहे हैं उसको wisely wish करिए कि is it good for me, is it good for the society, is it going to be good in the long term. मतलब just चाहिए चाहिए नहीं करिए, नहीं, ईश्वर पर समर्पण करके आप जो भी wish कर रहे हैं वो मतलब उनको समर्पण करें कि ईश्वर आपको लग रहा है कि ये जो भी मैं विश कर रहे हूँ इज इट गुड फॉर मी, अगर गुड है तो ही मुझे दीजिए. ठीक है, चलिए फ्रॉम द मूनोलॉजी व्हाट इज कमिंग दिस वीक. अ टाइम फॉर हीलिंग, अगेन थर्ड कार्ड आ गया गाइज हीलिंग का. नर्चर, हीलिंग, आइसोलेशन, तो हीलिंग का टाइम चल रहा है आपका. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. वाह, और यहाँ पे भी था ना, यहाँ पे भी न्यू लव आ रहा है आई सेड. ठीक है, सो ये कार्ड डबल कन्फर्मेशन हो गया. उप्स सॉरी, नीचे चला गया वो कार्ड. A new start is coming. Wow. A new romantic cycle, a new start. जो लोग लव लाइफ के लिए नहीं देख रहे थे वहां पे न्यू स्टार्ट है वो, अगर आप जॉब के लिए गए थे. और सी यहाँ पे भी बैलेंस है, एंड वी हैड बैलेंस ओवर हियर ऑल्सो. यहाँ पे भी था ना, फाइंड द बैलेंस. अब मैं नहीं कर रही हूँ, पीछे गिर जाएगा. All right. A personal issue reaches resolution. जो भी कोई पर्सनल इशू था आपका किसी के साथ वो रिजोल्व हो रहा है. ठीक है, इस वीक में. A time to give rather than take. ठीक है, अब आपने अ टाइम टू गिव, ये भी कह सकते हैं किसी और को नहीं, आई वुड से अ टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. यहाँ पे अपने आप को टाइम दीजिए, गिव इट टू योर सेल्फ. इन साइड जाइए, सोल को हील होने दीजिए, मेडिटेशन करिए, सिट, रीड गुड बुक्स, नर्चर योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ दिस वीक. ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन. वाओ ब्यूटीफुल गाइस, क्या बोला था मैंने कि आप कुछ भी मांग रहे हैं, विश या कुछ भी कर रहे हैं, बस डिवाइन पे छोड़ दीजिए. एंड लास्ट कार्ड आया ही है ये, बस जो भी हो रहा है होने दीजिए, नर्चर करिए अपने आप को, सेल्फ एस्टीम पे वर्क करिए, सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करिए, एंड सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे. ठीक है, बाबा जी क्या कह रहे हैं, लेट्स सी. साईं बाबा कह रहे हैं चैनल, आई मेक यू द चैनल ऑफ माई वर्क. तो बाबा कह रहे हैं कि आप मेरा कार्य आगे बढ़ाएंगे. यहाँ पे भी लीक था ना, दैट यू आर एक्सपैंडिंग. कुछ आपकी सोल एक्सपेंशन ऐसा हो रही है जिसमें आपको कुछ करना है दुनिया के लिए. सो बाबा के थ्रू कुछ आपको दुनिया को पहुँचाना है. बाबा या जिस भी, अगर आप बाबा में मतलब मीन्स इफ यू फ्रॉम अनदर रिलीजन, तो आपके जो भी ईष्ट है, जो भी आपके गॉड है, वो कह रहे हैं आपको कि आपको यहाँ पे लाया गया है कुछ कार्य करवाने के लिए. मास्टर्स विल, वाओ, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद स्माइल. तो ये जो भी हो रहा है आपके, देखिए ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिन जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ये सब आपके साथ वहीं उन्हीं के थ्रू हो रहा है. बिकॉज यू आर हियर, मेरी जो डिवाइन फैमिली है, आई स्ट्रांगली बिलीव वी ऑल आर डिवाइन सोल्स, जिनका काम ही है आगे चल के औरों को गाइड करना. ठीक है,
तो ये मास्टर की विल से ही हो रहा है, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जो भी हो रहा है जस्ट टेक इट विद स्माइल, थैंक यू. ओके, सफरिंग्स, ग्रेट. कितना क्लियर आंसर है गाइस. ग्रेटेस्ट सोल्स आर गेट इन्वॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग. ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल सोल्स होती है, जब तक, मैंने यही इनिशियली भी कहा था बिना कार्ड देखे, कि जब तक हम कोई चीज को तपाते नहीं है तो वो ब्यूटीफुल निकल के नहीं आती है, निखर के नहीं आती. तो यही कह रहे हैं, आपकी सोल ब्यूटीफुल है और वो तभी निखरेगी जब हम इससे, सोल ग्रोथ से गुजरेंगे, इस ग्रीफ से गुजरेंगे, इस पेन से गुजरेंगे, राइट. तो वो बाबा जी ने कंफर्म कर दिया. चलिए लास्ट कार्ड है चेंज. इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल. और हमारी एनर्जीज में भी यही निकल के आया था कि चेंज इज कमिंग. यस, चेंज इज कमिंग, डिस्कवरी हो रही है, न्यू आ रहा है. गाइज, ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए. इसको चाहो तो बार 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 देख सकते हो एंड सेव कर सकते हो और शेयर भी करो. ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं. बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ. सॉरी, सो बिलीव करिए, भगवान पर विश्वास रखिए. जो जिससे भी आप गो थ्रू करें वो सारी चीजें निकल जाएंगी. ठीक है, ईश्वर इज विद यू. डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी. नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिविटी को इनवाइट ही नहीं करना है, कुछ बुरा सोचना ही नहीं है. ठीक है, वाओ, अबंडेंस गाइस, यू विल रिसीव अबंडेंस. बस हो गया, बस अब डन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है मुझे. ठीक है, दी एंड अगेन. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. और सबसे पहला कार्ड भी हमारा क्या था, एंडिंग का. सो ये एंड जो था ये ईश्वर की मर्जी से था, तो बुरा मत मानिए, कुछ दुख नहीं मनाइए, ये ईश्वर की मर्जी से था. एंड प्योरिटी गाइज, वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइज. इधर भी प्योरिटी का कार्ड आया था आपके लिए, एंजल्स की तरफ से भी. ठीक है, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स आर रिवॉर्डेड. यू आर अ ब्यूटिफुल सोल माई डिवाइन फैमिली. प्लीज गाइज, इतनी ब्यूटिफुल रीडिंग है ना, आपको लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा. प्लीज यू हैव टू हेल्प मी. देखिए मेरी आवाज़ भी खराब है, पिछले कितने महीनों से मैं इसलिए भी नहीं बोल पा रही थी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, मेरा काम अलग है. दीज आर इवन मेरी सोल एक्सपेंशन में मुझे ही गाइडेंस ऐसा मिला था थ्रू एक्चुअली माफ्तार बाबा जी. मैं भी बहुत मानती हूँ माफ्तार बाबा जी को. तो मुझे भी चैनल मैसेजेस जब आ रहे थे तो मुझे भी बोला गया था टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर अनदर ब्यूटिफुल सोल्स लाइक यू ऑल. तो प्लीज गाइज, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए एंड प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. ठीक है, मैं रीडिंग को यही खत्म करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग आई है गाइज. आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंड हम लोग सब एक साथ ग्रो करेंगे. ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट वीक. एंड उससे पहले एवरी डे आई पोस्ट कपल ऑफ वीडियोज, तो वो जरूर देखिए. शॉर्ट वीडियोज होती हैं वो मोस्टली. ठीक है, तो वो देखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन कर लीजिए ताकि शॉर्ट्स आपको आए. ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.